कपकोट पुलिस ने व्यापारियों के साथ बैठक करते हुए कपकोट की यातायात व कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर मंथन किया। इस मौके पर नवनियुक्त कोतवाल टीआर वर्मा ने कहा कि कपकोट में यातायात को दुरुस्त करना पहली प्राथमिकता है। कपकोट में तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए भी जन सहयोग की आवश्यकता है। बैठक के दौरान व्यापारियों ने कहा कि भराड़ी व कपकोट में अक्सर लगने वाले जाम के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसे नियंत्रित करना जरूरी है। अभी देखिए, मैंने 17 तारीख को यहाँ कपकोट थाने का प्रभारी निरीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो आज मैंने यहाँ की समस्याओं को देखते हुए, ज्वलंत जो समस्याएं उनको देखते हुए, मैं यहाँ के लोकल लोगों के जो जनप्रतिनिधि हैं, व्यापार मंडल और यहाँ के और लोकल लोग, उनकी मीटिंग ली थी, उनके सुझाव लिए थे। तो सुझाव में कई चीज़ें आमने सामने उनसे शेयर हुई हैं। उन्होंने बताया है, अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई हैं और बीच में संवाद उनसे जारी हुआ है कि किस तरह से उनका हल निकाला जाए। जैसे भराड़ी बाजार में आए दिन जाम की स्थिति रहती है, तो उस बात पर चर्चा हुई है किस तरह से हम उसको और अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ का युवा है, यूथ है, कुछ लोग नशे की प्रवृत्ति है, बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए क्या हम उसमें कार्रवाई कर सकते हैं उस पर। और ये जगह जगह बताते हैं कि कुछ चरस वगैरह बेचने वाले हैं या कुछ इस तरह का है, तो उस पर भी कार्रवाई की अपेक्षा लोगों ने की है। तो हम लोग इन्हीं बिंदुओं पर सभी पर कार्रवाई करेंगे और जनता का विश्वास जीतेंगे और जनता के हित में जो भी यहाँ पर होगा। जैसे हम लोगों ने बताया कि कोई भी अपने बच्चों को, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको बाइक चलाने के लिए ना दें। यदि चलते हैं तो हेलमेट लगा कर चलें, 3 सवारी ना चलें, अपने सारे कागज़ अपने साथ लेकर चलें, ओवरलोडिंग में गाड़ियां ना चलाएं। टैक्सी वाले भी यहाँ पर मौजूद थे। तो इसी तरह से हमने जो पब्लिक के हित में और कानून का जो पालन नहीं करते उसको पालन हम कराएंगे और पब्लिक के हित की बात रखेंगे। देखिए, धीरे 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 हम लोग पब्लिक से ही हमको सूचना आएंगी और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे जो इन कार्य में लिप्त हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए, इस बात पे आज भी चर्चा हुई है, तो सबको पहले बता दिया गया है कि कोई भी अपनी दुकान के सामने, सभी व्यापारियों से कह दिया गया है कि कोई भी अपनी दुकान के सामने अनावश्यक रूप से कोई भी 2-व्हील या 4-व्हील कोई ना खड़ा होने दे। और सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का एक नो एंट्री का टाइम है। इस बीच में कोई भी माल का उतारना चढ़ाना ना करे तो आधी समस्याएं हमारी तभी दूर हो जाएगी। सीसीएन न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुवा की रिपोर्ट।